पब्लिक इतनी नाराज है, गांव में चले जाओ तो जानवरों से नाराज है, शहर में आ जाओ तो आप सब जानते हैं क्यों नाराज है। किस तरीके का आपकी बिरादरी वोटिंग करेगी इस बार? 100% बिरादरी जो है इनको देगी, और उसके साथ साथ जो यहाँ का शाहजहानपुर का सर्व समाज है वो पूरा वोट तनवीर भाई को जाएगा। इस बार आप लोग देखेंगे ऐतिहासिक वोटिंग होगी 14 तारीख को। Hello friends, you're watching KJN India News, myself Mansi Arora. Once again, I welcome you all friends on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon. और समाजवादी के जयेश प्रसाद ने 135 नगर विधानसभा से तनवीर खां का कराया नामांकन। हालांकि आपको बता दें, विरोधियों में बेचैनी सी नजर आई। उनका ये कहना था कि जानवरों से लेके इंसान तक परेशान है इस भाजपा सरकार की, और बहुत कुछ कहा। जयेश प्रसाद ने आपको आगे सुनवाएंगे। उनका ये भी कहना था कि ऐतिहासिक जीत होगी, तनवीर भाई 50,000 से जीतेंगे। क्या कुछ कहा सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें 8 बार के जीते प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना 9वीं बार नामांकन कराएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, बहुत कठिन हो सकती है डगर पनघट की। क्यों? क्योंकि आपका आपको एक बात और बता दें, जिस तरीके से नगर से समाजवादी प्रत्याशी तनवीर खान ने नामांकन कराया जोर शोर के साथ, और इसके साथ साथ सपा नेता जयेश प्रसाद भी शरीक हुए। उनका भी ये कहना था, हर हाल में शाहजहांपुर से 6 सीटें निकालेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस बार 2022 नगर विधानसभा में कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके से परिस्थितियां नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें, सुरेश कुमार खन्ना मौजूदा विधायक का नामांकन होगा कल। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, जयेश प्रसाद के साथ और तिलर विधानसभा के सपा के प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा भी शरीक हुए तनवीर खां के नामांकन में। और अब हम विस्तार से आपको दिखाते हैं किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया हुई चालू। हालांकि जिला प्रशासन की बैरिकेडिंग थी और नियम और कानून के दायरे में, आपको बता दें सपा के 135 विधानसभा के प्रत्याशी चल दिए फाइल लेकर नामांकन कराने। कलेक्ट्रेट के अंदर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग के अंदर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अपने अधिवक्ताओं के साथ में। और जो आप देख रहे हैं साथ में सपा नेता जयेश प्रसाद के साथ तिलहर विधानसभा के सपा के प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा अब नामांकन कक्ष में जाते हुए। हाँ, ब्रश ले पर लिख दो। हालांकि पर्चा दाखिल करने के बाद वापसी के समय, आपको बता दें नगर विधानसभा के सपा के प्रत्याशी तनवीर खान ने क्या कहा, वो हम बाद में सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुनवाते हैं कि सपा नेता जयेश प्रसाद ने आड़े हाथों लिया। उनका ये कहना था कि 9वीं बार का सपना अधूरा रह जाएगा, अब वो पूरा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो हालात चल रहे थे उससे ये लग रहा था कि तनवीर 25,000 से जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक में उबाले, जनता में एक नई उमंग है, उससे तो ये लग रहा है कि तनवीर भाई 50,000 से जीतेंगे। आप खुद ही सुनिए। 25,000 वोटों से तनवीर भाई को जीतना है आज। जिस तरीके का माहौल आज दिखाई दिया, पब्लिक में उत्साह दिखाई दिया, अब वो आकलन थोड़ा डगमगा रहा है। वो हो सकता है 50,000 वोट तक पहुँच जाए। और
जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहाँ के मंत्री रहे, इतने साल से विधायक हैं और एक सपना देखे हुए हैं, वो सपना तो उनका टूटने जा ही रहा है इस बार। किस तरीके का आपकी बिरादरी वोटिंग करेगी इस बार? 100% बिरादरी जो है, 100% बिरादरी जो है, 100% बिरादरी जो है इनको देगी। और उसके साथ साथ जो यहाँ का शाहजहानपुर का सर्व समाज है, वो पूरा वोट तनवीर भाई को जाएगा इस बार। आप लोग देखेंगे ऐतिहासिक वोटिंग होगी 14 तारीख को। पब्लिक इतनी नाराज है, गांव में चले जाओ तो जानवरों से नाराज़ है, शहर में आ जाओ तो आप सब जानते हैं क्यों नाराज़। गांव में चले जाओ तो जानवरों से नाराज़ है, शहर में आ जाओ तो आप सब जानते हैं क्यों नाराज़। गांव में चले जाओ तो जानवरों से नाराज़ है, शहर में आ जाओ तो आप सब जानते हैं। और अब हम सुनवाते हैं नगर 135 विधानसभा के प्रत्याशी तनवीर खान का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास सिर्फ मुद्दा अगर है तो भाईचारे को खत्म करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना। लेकिन पब्लिक विकास चाहती है, पब्लिक चाहती है कि ऊपर उठे, किसान चाहता है कि हम आराम से जिए, रातों में जो जागते हैं वो जागना खत्म हो जाए, जानवरों से आतंक के परेशान है किसान। और क्या कुछ कहा तनवीर खान ने, सुनते। आज तो सभी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है योगी सरकार, तो विकास के नाम पर तो ये शून्य है और विकास के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ, जुमलेबाजी और लोगों को बहकाना, भाईचारा खत्म करना, ये मुद्दा रहता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन विकास अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है मुख्यमंत्री काल में अपने, वो सबको दिखता है। और आज पूरे प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि इस बार 2022 में हर हाल में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जनपद शाहजहांपुर में इतिहास रचेगा, 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। कितनी जीत हासिल होती है? सभी सीटों में जीत हासिल होगी, हमने तो सभी सीटों पर पूरा मजबूती के साथ हमारे सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हैं और सभी लोग सारी सीटों को जिताने में जुटे हैं। बीजेपी का नारा है कि 60 व 80 का, 60 और 40 का नारा दे रखा उन्होंने। वो तो जो 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा खुद ही सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। जो झूठे दावे करने वाले बस ढोल के अंदर बोली बोल है, सब सामने दिख जाएगा 10 मार्च को। अपने महिला विंग कमांडर को ले जाओ। हाँ ले लिया था साथी। ना इधर नहीं माता जी, इधर 3 बजे के बाद आएंगे। मैं तो कुछ और ही हूँ। अरे बाबा ठीक है। अरे अरे भैया चेयरमैन साहब जी, जी जरा विधायक जी के साथ खड़े हो जाओ, कोई दुख खड़ा। अरे So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.